विरोध में आई आम आदमी पार्टी, आपके कर्नल अजय कोठियाल को बनाया गया सीएम उम्मीदवार। किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी ने फिर बोला मोदी सरकार पर हमला, कहा मंत्रियों को खत्म कर रही है सरकार। जामनगर पहुंचे भारतीय राजदूत ने कहा अफगानिस्तान में अभी भी फंसे हैं कुछ भारतीय, जल्द लाएंगे वापस। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विजयन सरकार और राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले केरल का चर्चित कोरोना मॉडल कहां गया। लाहौर में फिर तोड़ी गई महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा, बता दें कि पाकिस्तान के सदस्य पर लगा है प्रतिमा तोड़ने का आरोप। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। लालकुआ में आगामी 18 अगस्त को केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट के दौरे को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। लालकुआ विधानसभा क्षेत्र में होने वाली रैली कार्यक्रम के संयोजक वरिष्ठ भाजपा नेता पवन चौहान ने बताया कि आगामी 18 को केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट का प्रदेश दौरा है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने केंद्र नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह से मोदी सरकार ने नैनीताल सांसद अजय भट्ट पर विश्वास जताते हुए उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, उससे उत्तराखंड वासियों में खुशी की लहर है। उत्तराखंड चुनाव 2022 के लिए विगुल फूंकने की रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने आज से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है, जिसके साथ ही पार्टी का चुनाव प्रसार अभियान भी प्रदेश भर में शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आज से इस यात्रा का शुभारंभ मंगलौर के नारसन बॉर्डर से केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया। उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अजय भट्ट का जोरदार स्वागत किया। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लालकुआ में अपनी जमीनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए सभी दल के नेताओं के साथ निर्दलियों ने भी क्षेत्र में जनसंपर्क शुरू कर दिया है। इसी के चलते विधानसभा क्षेत्र के बिंदु खत्ता निवासी पूर्व सैनिक एवं वरिष्ठ समाज सेवी कुंदन मेहता ने भी लालकुआ से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पार्टी पर जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। मेरा ये मानना है बीजेपी कांग्रेस की सरकार दो दो बार आ चुकी है, दोनों की डबल इंजन सरकार रही हुई है और दोनों के मंत्री भी रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने बिंदु खत्ता की जनता आम विधानसभा की पूरे क्षेत्र को ठगा है इन उन लोगों ने, और हर किसी को आश्वासन दिया लेकिन काम नहीं किया इन लोगों ने। और बिंदु खत्ता वैसे चोर गलिया साइड का और गोलापार में भी लोगों का मालिकाना हक का मुद्दा है, लेकिन इन लोगों ने हमेशा लोगों को यही आश्वासन दिया कि बिंदु खत्ते हम राजस्व बनाएंगे, लेकिन जब ये सत्ता में आ जाते हैं उसके बाद ये कोई भी मुद्दे को नहीं लाते हैं और आखिर में ये कहने लग जाते हैं कि हमने तो ये बात कही नहीं है, ना हमारे घोषणा पत्र में है और ना हमने कभी कहा, ये इनका आपस में। बीजेपी पूरे देश में जन आशीर्वाद रैली निकाल रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के ऋषिकेश में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकाली। केंद्रीय राज्य मंत्री ऋषिकेश पहुंचने पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान महापौर अनीता ममगानी के नेतृत्व में हजारों भाजपाई कार्यकर्ताओं ने अजय भट्ट का इंद्रमणि बड़ोनी चौक पर भव्य स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध किया, जिस पर पुलिस ने सख्ती दिखा हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शांत कराया। जन सैलाब उमड़ के आ रहा है और जबरदस्त उत्साह है माताओं बहनों में और युवाओं में। बुजुर्ग लोग जो नहीं भी आ पा रहे हैं छतों में चढ़ के हाथ हिला रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि 2022 में उत्तराखंड की जनता पुनः भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से सेवा करने के लिए पुनः आमंत्रित कर रही है, पुनः अपना सहयोग और प्रेम दे रही है। सभी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, उसमें युवा हो, बुजुर्ग हो, जो नौजवान हो, सभी में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे नटराज चौक पे, इंद्रमणि बडोनी चौक पे हजारों की संख्या में जो हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता पहुँचे हैं, 1000 से ऊपर यहाँ पर दुपहिया वाहन लेके हमारे कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं। जबरदस्त उत्साह सभी में है क्योंकि मोदी जी ने इस उत्तराखंड को सैनिक धाम नाम दिया था, चार धामों में सैनिक धाम भी नाम दिया था,
और उन्होंने हमारे इस वीर भूमि का सम्मान बढ़ाया है। हमारे यहाँ से माननीय अजय भट्ट जी को जो नैनीताल के सांसद हैं उनको केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री का रक्षा मंत्री बना के सभी को गौरवान्वित किया है। वहीं उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। आम आदमी पार्टी से पिरान कलियर विधानसभा से उम्मीदवार इंजीनियर शादाब आलम ने पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उत्तराखंड आप सह प्रभारी प्रवीण कुमार भी मौके पर मौजूद रहे। प्रवीण कुमार ने कहा कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की नीतियों को यूके में भी लागू करेंगे जिससे जनता को बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिल सके। दिल्ली में हमारा ये दफ्तर खुला है और इस दफ्तर के द्वारा शादाब आलम जी और हमारी पूरी पिरान कलियर की टीम जो है आम आदमी पार्टी को पिरान कलियर विधानसभा में मजबूत करने की लगातार कोशिश करेगी और यहाँ पे हजरत साबिर पाक जी का जो दुआ है उनका हाथ है, उनका आशीर्वाद है, हमारी पूरी टीम के साथ लगातार बना हुआ है। अभी तो हम सेवक हैं और सेवक के रूप में यहाँ पर आए हैं और हमें एक पूर्ण विश्वास के साथ यहाँ पर भेजा गया है जनता की सेवा करने के लिए और अपने विचार लोगों को व्यक्त करने के लिए कि हम किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से यहाँ पे रोजगार हो, शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, किस तरीके से इन समस्याओं को दूर करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम आने वाले समय में तैयारियाँ करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और जिस तरीके से हमारे विधायक जी आए हैं और इन्होंने हमें एक ताकत और एक जोश के साथ हमें हिम्मत बांधी है आज और हमारे कार्यालय की ओपनिंग हुई है तो मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ विधायक जी को भी और अपनी पूरी सरकार को और आम आदमी पार्टी को कि हम पूरी मेहनत पूरी ईमानदारी के साथ हम अपनी लगन के साथ यहाँ पर तैयारी करेंगे और उत्तराखंड के अंदर ये पहली सीट होगी। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं आम जन तक पहुंचाने के लिए बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने किया। बहुउद्देशीय शिविर में विभिन्न विभागों के काउंटर लगाए गए हैं जहां लोगों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। कई दिव्यांगों के प्रमाण पत्र, विधवा वृद्धा पेंशन प्रमाण पत्र सहित तमाम समस्याओं का निवारण शिविर में किया गया है। सर ये कुछ सर्टिफिकेट बनवाने विकलांग लोग आए हैं मेरे साथ और कुछ जो है सर पेंशन के कागज हैं। अच्छा, काम हो रहा है यहाँ पर? हाँ जी हो रहा है सर। अच्छा, पहले भी थी आपकी पेंशन? हाँ जी मेरी पेंशन पहले की लगी हुई है और विकलांग सर्टिफिकेट बनवाना है, उसमें जो है पहले मेरे पापा का नाम था। अब सर प्रयास है, इसको आप ये भी कह सकते हैं सरकार जनता के द्वार कि जितने भी हमारे सब सरकारी विभाग है उनके जो कार्यक्रम हैं उसका एक तो प्रचार प्रसार अवेयरनेस आम जन के बीच में हो, उन योजनाओं का लाभ जन साधारण को सीधे मिले। कई बार उसी का आवेदन पत्र भरने के लिए, उसी को प्रोसेस कराने के लिए उसको अलग अलग मसूरी में आयोजित रक्षाबंधन समारोह में जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी, वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के एक बयान से विवाद शुरू हो गया। उन्होंने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चोर डकैत की संज्ञा दे डाली। मंच से भाषण देते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी में बरसाती मेंढकों की तरह चुनाव प्रत्याशी आ रहे हैं, इन चोर डकैतों को मसूरी विधानसभा में घुसने नहीं देना है। उनके इस बयान की सभी राजनीतिक दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने घोर निंदा की है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए बीजेपी की ओर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं सेवक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत चमोली जिले में मंगलवार से स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण शुरू किया गया है। प्रशिक्षण के बारे में जानकारी देते हुए अभियान के सह संयोजक और नगर पालिका नंदप्रयाग के अध्यक्ष हिमानी वैष्णव ने बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश पर पूरे देश में 4 लाख स्वास्थ्य स्वयंसेवक तैयार किए जा रहे हैं जो देश के 2 लाख घरों में पहुंचकर लोगों को कोरोना से बचाव के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक करेंगे। चमोली जिले में भी प्रत्येक गाँव के लिए 5-5 स्वयंसेवक तैयार किए जा रहे हैं जिन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो गाँव जाकर लोगों को कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचने के बारे में जानकारी देंगे। हमारे जिला में राष्ट्रीय स्वयं सेवक अभियान का एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें कि हमने 18 मंडलों के
5 स्वयं सेवक रखे हुए हैं और उनको प्रशिक्षित करना है। यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा उनको प्रशिक्षित किया जाएगा और ट्रेनिंग दिया जाएगा कि आगामी अगर तीसरी लहर आती है कोरोना की तो हमें कैसे करके लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना है। और इसी संदर्भ में आज यह कार्यक्रम यहाँ पे जिला कार्यालय में रखा गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी द्वारा स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के अंतर्गत जो कोविड की थर्ड वेव आ रही है उसके अंतर्गत जो एक स्वास्थ्य स्वयंसेवक की हर जिले से 25,000 की मतलब पूरे प्रदेश में पूरे देश में 4,00,000 स्वयंसेवकों की लिस्ट जो थर्ड वेव निपटने के लिए बनाई गई है उसी की। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र के ग्राम पंजन हेड़ी में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है, जहां बाइक पर सवार युवकों ने चलती बाइक पर फायरिंग करते हुए असलहे लहराए। आपको बता दें कि यह घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। फायरिंग करने की इस घटना को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस ने मामले में अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर युवकों की तलाश शुरू कर दी है। ये सूचना हमें मिली थी 14:15 की रात को पंजन हेड़ी गांव में कि कुछ लोग बाइक से जा रहे थे और उनके द्वारा हवा में फायरिंग की गई। तत्काल हमारी टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंची हमने CCTV कैमरे देखे जिसमें 3 बाइकें आ रही हैं जिसमें कुछ लड़के हैं और उनके द्वारा हवा में चूँकि तमंचा लगाया जा रहा है चूँकि उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं थी तो फायरिंग की आवाज़ जो प्रत्यक्षदर्शी जो वहाँ पर थे उन्होंने बताई थी। तत्काल हमारे द्वारा वहीं ब्रह्मपुरी रावली महदूद में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की कार्रवाई की। आपको बता दें कि लंबे समय से ब्रह्मपुरी रावली महदूद में मेडिकल स्टोर के माध्यम से नशीली दवाओं की बिक्री की सूचना मिल रही थी, जिसके चलते ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने छापेमारी की कार्यवाही की। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि बहुत सारे इंजेक्शन ऐसे हैं जिनको एक निश्चित टेम्परेचर पर रखा जाता है जिसके लिए फ्रिज की आवश्यकता पड़ती है। मेडिकल स्टोर संचालकों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए। लगभग 10-12 मेडिकल स्टोर चेक किए हैं रावली मेरूत सलेमपुर और ये दादूपुर। यहाँ पे मोस्टली जो देखने को मिल रहा है कई बार इन लोगों को बताने के बाद भी जो मेडिकल स्टोर वाले हैं वो दवाइयों का जो स्टोरेज है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं फ्रिज में अगर स्टोर किए हैं दवाइयाँ तो उसको फ्रिज को जाते हुए घर जाते हुए बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद हम बिजली की बचत कर लेंगे जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई दवाई की स्टोरेज अगर 2-8 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो उसी में टेम्परेचर पर मेनटेन रहनी चाहिए, अदरवाइज उसकी जो गुणवत्ता है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और जो कस्टमर उस दवाई को ले रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए रुद्रप्रयाग के सुमाड़ी बिगाड़ गांव जाखाल मोटर मार्ग न बनने की वजह से ग्रामीण पिछले 5 दिनों से धरना दे रहे थे, जिसे वन विभाग के आश्वासन के बाद खत्म कर दिया गया। लेकिन ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही मोटर मार्ग का निर्माण नहीं करवाया गया तो दोबारा से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जाएगा। दरअसल वर्ष 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने बिराड़ गांव जाखाल मोटर मार्ग की घोषणा की थी, लेकिन एक दशक बीत जाने के बाद भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। हमारी वर्षों से सड़क की मांग थी। ये सड़क 2010 से प्रस्तावित थी और इस सड़क पे कुछ भी कार्रवाई न होने के कारण हमें मजबूरन धरना प्रदर्शन करना पड़ा। आज 5वें दिन ये धरने का आखिरी दिन रहा और मैं विभाग का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जो हमें मीन जो दिक्कत थी हमारी क्षतिपूर्ति जमीन की थी। ये 7.5 हेक्टेयर जमीन चिन्हित हुई है और ये हमने आरक्षित वन में की है और ये उच्च स्तरों के माध्यम से हुई है जमीन। इसमें काफ़ी टाइम से प्रोसीजर चल रही थी। कई गांव वालों का कुछ रोध था जिस कारण जमीन नहीं मिल पा रही थी। बड़वानी जिले में नर्मदा बचाओ आंदोलन के 36 वर्ष पूरे होने के मौके पर किसान, मजदूर और बाढ़ प्रभावितों ने बड़े आंदोलन का आगाज किया, जिसमें देश के अमर शहीद भगत सिंह की भांजी गुरदीप कौर और किसान आंदोलन के वरिष्ठ नेता राकेश टिकैत भी शामिल हुए। इन सभी लोगों का बड़वानी की जनता द्वारा स्वागत किया गया। राकेश टिकैत ने कहा कि लड़ाई क्रांतिकारी और अहिंसावादी हो उसमें जीत हमेशा लड़ने वालों की हुई है। हमें गर्व है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर जी हैं। उन्होंने कड़े प्रयास और मेहनत से इतने जन समुदाय को जोड़ा रखा है। हम
तो मोटवानी आए, मोटवानी में आंदोलन धर्म का बचाओ आंदोलन है जो वहाँ से स्थापित लोग जो वहाँ से क्या क्या उसको लाभ और हानि हुई है, ये 36 साल का एक संघर्ष का प्रतीक स्थल है। ये यहाँ पर हम आए देखने को पूरा पिक्चरों के माध्यम से, अब यहाँ लोग जनसंवाद लोग मिलेंगे, यहाँ पे बातचीत करेंगे, मेरा प्रशिक्षण दिए वो इस संघर्ष के बारे में बताएंगे, रियल इफेक्ट क्या के हुए हैं भी बताएंगे, किन लोग को आप पुनर्वास हुआ है, बहुत लोग और नहीं हुआ, उसका सामाजिक क्या उसका इफेक्ट पड़ा है, उसका पर्यावरण पे क्या इफेक्ट पड़ा है। आज भी उन हजारों पेड़ों को हम देख सकते हैं जो कई कई सौ साल पुराने पेड़ थे, सूखे पेड़ आज वो प्रतीक है आने वाले टाइम। वही मध्य प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग ने कोरोना को लेकर कहा है कि कोरोना जांच किट के कबाड़ में मिलने का मामला सामने आया है, मामले की जांच करवाकर दोषियों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कोरोना संक्रमण को लेकर कहा कि अगर कोरोना मामलों को बढ़ने से रोकना है तो जरूरी है कि टेस्टिंग की रफ्तार को बढ़ाया जाए। वही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पर भी उन्होंने पलटवार किया है, उन्होंने क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्राकृतिक आपदा में केंद्र सरकार की ओर से किसानों को उचित मुआवजा मिल सके उसके लिए केंद्रीय जांच दल मध्य प्रदेश आ रहा है। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की पहल पर ये दल आ रहा है और हम इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि हर पीड़ित परिवार को, हर पीड़ित किसान को उचित मुआवजा मिले, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने हर समय प्राकृतिक आपदा में किसानों को उचित मुआवजा देकर उन्हें सहयोग करने का पूरा प्रयास। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण लागू करने और संपूर्ण भारत में ओबीसी की जातिगण जनगणना कराने की मांग को लेकर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी द्वारा कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठकर प्रदर्शन किया गया। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष विनोद यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण की मांग को लेकर इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन देने हम पहुंचे हुए हैं, जहां पर हमारी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी है। साथ ही हमारी मांग नहीं मानने पर मध्य प्रदेश के भीम आर्मी के लोग ओबीसी आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास का घेराव करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। देखिए, हमारी मांग यही है, जो संवैधानिक अधिकार हम लोगों को मिलना चाहिए वो मिले। जमीन पर जीरो है, ये खाली कागजों में बताते हैं कि आप ये अधिकार हम लोगों इनको को दे चुके हैं। मध्य प्रदेश के अंदर आधी से ज़्यादा आबादी ओबीसी समाज की है, लेकिन आरक्षण कहाँ मिल रहा है उनको, जबकि मंडल कमीशन के अंदर हम लोगों को नौकरियों में भी आरक्षण की बात कही गई है और अन्य कई प्रकारों से हम लोगों को 22 पॉइंट उसके अंदर उनको सारे अधिकारों को हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को वो अधिकार हमारे मिले जो मंडल कमीशन की मांग है। उसमें मांग पूरी नहीं करेंगे तो फिर जैसे आज ये कम भीड़ है फिर पूरा इंदौर बंद करेंगे। जावरा के बड़ावदा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस कमेटी ने दिए हुए ज्ञापन में मांग की है कि सरकार सड़क, बिजली व किसानों की उपज पर उचित फैसले ले। सड़कों की हालात इस वक्त खस्ता हो चुके हैं, किसानों को फसलों का उचित दाम नहीं दिया जा रहा है, जिस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। रतलाम जिले में सोयाबीन की फसल में अफलन और पीला मोजक कीड़ा लगने से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, जिसके मुआवजे के लिए किसान सरकार से गुहार लगा रहे हैं। किसानों ने सोयाबीन के पौधों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुआवजे की मांग की है। आपको बता दें कि किसानों की मांग पर प्रशासन ने आश्वासन देते हुए मुआवजा दिलाने की बात कही है। तो उससे संबंधित आज किसानों ने ज्ञापन सौंपा है कि जहाँ जहाँ भी ये समस्या है वहाँ उनका सर्वे किया जाए और सर्वे के आधार पर देखा जाए कि जो भी फसल बीमा कंपनी है वो कितना मुआवजा देगी और वो मुआवजा दिलाया जाए। आज हम सब लोग एक आवेदन देने के लिए माननीय अनुभागीय अधिकारी महोदय जावरा को आए थे। हमारे यहाँ पर मालवा क्षेत्र में सोयाबीन की ही फसल होती है और पूरे जावरा और पिपलोदा ब्लॉक में सोयाबीन की फसल में अफलन और पीला मोजक की वजह से पूर्णतः बर्बाद हो गई है। इसलिए हम सर्वे की मांग को लेकर सारे किसान लोग आज यहाँ आए थे। माननीय एसडीएम साहब ने आप सबकी उपस्थिति में अवगत कराया है कि वो सर्वे करा देंगे ताकि
स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर एवं वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती के मौके पर भोपाल के डिंडौरी तक यात्रा निकाली गई। ब्रह्मोरी पहुंचकर यात्रा प्रभारी विधायक जालम सिंह पटेल ने वीरांगना रानी अवंतीबाई के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। इस दौरान उन्होंने सिलवानी बटेरा देह गांव को जोड़ने वाले तिराहे का नाम वीरांगना रानी अवंतीबाई तिराहा करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वीरांगना अवंती लोधी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली वीरांगना थी, जिन्होंने मात्र 26 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए भारत की आजादी के लिए जान की कुर्बानी दी थी। वहीं सिंगरौली जिले के विंध्यनगर थाने के जयंत इलाके में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता अपनी बहन के यहां जयंत इलाके में रह रही थी। बीती रात शराब के नशे में 5 युवक घर में जबरदस्ती घुस गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उन्हें गिरफ्तार किया गया। दातून जो है वो इसने आई थी और दातून बेच करके जब वो वापस जा रही थी तो उसने हौली में शराब पिया और शराब पी करके जब अपने घर वापस जा रही थी उस समय लाइन के पास बैठ के बुगड़ी पी रही थी। बैगा कुछ लोग वहाँ पे आए और उसके साथ हाथापाई की और महिला के साथ जो है शारीरिक संबंध दुष्कर्म किए। वो लड़के 5 की संख्या में थे, उसमें 2 जो है अवयस्क बच्चे हैं। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।